सो आईपीएल 2023 मिनी ऑक्शन को लेकर ना सिर्फ सभी टीम्स बल्कि फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं कि आखिर उनकी फेवरेट आईपीएल टीम किन प्लेयर्स को टारगेट कर खरीदने वाली है। दोस्तों, ऑक्शन के दौरान किसी भी प्लेयर्स को खरीदना और टारगेट करना पूरी तरह से फ्रेंचाइज के मैनेजमेंट और फाइनल डिसीजन पर बेस्ड होता है, मगर एज अ फैन हम टीम्स के करंट स्क्वाड और नीड के बेस पर टीम के पॉसिबल टारगेटेड प्लेयर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मगर फाइनली किस प्लेयर को किस टीम द्वारा खरीदा गया यह तो ऑक्शन के दौरान ही पता चलेगा। सो इस बार के आईपीएल मिनी ऑक्शन में टोटल 405 प्लेयर ऑक्शन टेबल तक पहुंचे हैं, जिनमें से मैक्सिमम 87 प्लेयर्स को खरीदा जाना है। इन सभी 405 प्लेयर में 273 इंडियन प्लेयर और 132 ओवरसीज प्लेयर शामिल हैं, जिनमें 119 कैप्ड और 282 अनकैप्ड प्लेयर हैं। आईपीएल 2023 का मिनी ऑक्शन इस बार 23 दिसंबर को कोची में होना है, जिसमें अब लगभग 2 दिन से भी कम का समय बचा है। साथ ही यदि टाइम और टेलीकास्ट की बात करें तो पहले ऑक्शन का टाइम सुबह 9 बजे से रखा गया था, मगर अब फाइनली इसे बदलकर दोपहर 2:30 पर कर दिया गया है। और टेलीकास्ट की यदि बात करें तो स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर मिनी ऑक्शन का लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा, और यदि आप मोबाइल पर लाइव टेलीकास्ट देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा ऐप पर आप लाइव देख सकेंगे। इसके साथ ही बीसीसीआई ने पहली बार फ्रेंचाइज के सपोर्ट स्टाफ को वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए भी अलाउ किया है, जिसमें एवी डिविलियर्स, सुरेश रैना, क्रिस गेल और इयान मॉर्गन जैसे दिग्गज प्लेयर अपनी अपनी फ्रेंचाइज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सपोर्ट करते दिखने वाले हैं। और फाइनली सभी टीम्स के रिमेनिंग पर्स बैलेंस और स्लॉट्स की करें, मगर उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि क्रिकेट की हर छोटी बड़ी अपडेट और क्रिकेट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको यहां पर मिलते रहते हैं। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और यदि आप होने वाले मिनी ऑक्शन के लिए सभी टीम्स के पॉसिबल टारगेटेड प्लेयर्स की वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस के लिंक मौजूद हैं, जहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आईपीएल की सबसे सक्सेस टीम यानी सीएसके की यदि पहले बात करें तो सीएसके के पास 20.45 करोड़ का पर्स बैलेंस अवेलेबल है, और सीएसके के पास अभी 7 स्लॉट्स खाली हैं, जिसमें से 2 ओवरसीज स्लॉट्स रहने वाले हैं। साथ ही सीएसके के पॉसिबल टारगेटेड में सैम करन, केन विलियमसन, हैरी ब्रुक और मयंक अग्रवाल जैसे प्लेयर्स रह सकते हैं। इसके बाद इस बार की सबसे हाईलाइटेड फ्रेंचाइज यानी एसआरएस की यदि बात करें तो एसआरएस के पास बाकी सभी टीमों से सबसे अधिक यानी 42.25 करोड़ का पर्स बैलेंस अवेलेबल है। साथ ही एसआरएस के पास टोटल 13 स्लॉट्स बचे हैं, जिसमें से 4 ओवरसीज स्लॉट को फिल करना है। एसआरएस के पॉसिबल टारगेट को देखें तो हाई चांसेस हैं कि बेन स्टॉक्स हमें एसआरएस की तरफ से खेलते हुए नजर आने वाले हैं, और इसके साथ ही सैम करन और कैमरून ग्रीन में से भी कोई एक प्लेयर हमें एसआरएस की तरफ से खेलता हुआ दिख सकता है। इसके बाद पंजाब किंग्स की यदि बात करें तो पंजाब किंग्स के पास भी 32.2 करोड़ का पर्स अमाउंट है, जो बाकी सभी फ्रेंचाइज से सेकंड हाईएस्ट पर्स अमाउंट है। पंजाब किंग्स के पास अभी 9 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, जिनमें से 3 ओवरसीज स्लॉट को फिल करना है। पंजाब के पास ऑलरेडी ही काफी बड़े बड़े प्लेयर मौजूद हैं, जिनमें पंजाब को ज्यादा बड़े प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली, मगर फिर भी पंजाब किंग्स के पास क्योंकि 32.2 करोड़ का बैलेंस है, ऐसे में पंजाब किंग्स कुछ बड़े प्लेयर जैसे स्टॉक, सैम करन और ग्रीन जैसे प्लेयर्स को टारगेट कर खरीद सकती है, जिसमें पंजाब किंग्स बाकी और फ्रेंचाइज के होमवर्क बिगाड़ने का काम बखूबी करने वाली है। बात यदि अब केकेआर की करें तो केकेआर के पास सबसे कम यानी 7.05 करोड़ का पर्स रिमेनिंग है, जिनमें केकेआर को 11 स्लॉट्स को फिल करना है, जिसमें से कि 3 ओवरसीज स्लॉट रहने वाले हैं, और यह एक चीज केकेआर के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन सकती है। हालांकि फिर भी केकेआर के नीड के हिसाब से केकेआर के टारगेट लिस्ट में साकिब अल हसन और सिकंदर रजा जैसे ऑलराउंडर का नाम रह सकता है। इसके बाद आरसीबी की बात करें तो आरसीबी के पास भी सेकंड लोएस्ट पर्स अमाउंट यानी 8.75 करोड़ का पर्स अमाउंट है, और आरसीबी के पास अभी 7 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, जिनमें से कि 2 ओवरसीज स्लॉट्स रहने वाले हैं। आरसीबी की टारगेट लिस्ट में रिस टॉपले, जॉस लिटिल और काइल जेमिसन जैसे प्लेयर्स रह सकते हैं। बात अब पिछले सीजन की फाइनलिस्ट टीम यानी आरआर की करें तो आरआर के पास 13.2 करोड़ का पर्स अमाउंट है, और आरआर के पास टोटल 9 स्लॉट्स बचे हैं, जिनमें से 4 ओवरसीज स्लॉट रहने वाले हैं। आरआर के पॉसिबल टारगेटेड में ऑलराउंडर जेसन होल्डर और सिकंदर रजा जैसे प्लेयर रह सकते हैं। बात यदि अब 5 बार की चैंपियंस टीम यानी मुंबई इंडियंस की करें, एमआई के पास 20.55 करोड़ का पर्स बैलेंस है, जिसमें एमआई को 3 ओवरसीज स्लॉट के रूप में टोटल 9 स्लॉट्स को फिल करना है। एमआई के पॉसिबल टारगेटेड में स्पिन के तौर पर एडम जंपा और आदिल राशिद, तो ही ऑलराउंडर के तौर पर कैमरून ग्रीन जैसे प्लेयर्स रह सकते हैं। इसके बाद आईपीएल की अगली टीम यानी दिल्ली कैपिटल्स की यदि बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के पास 19.45 करोड़ का पर्स बैलेंस है, जिसमें डीसी की टीम को 2 ओवरसीज स्लॉट के साथ साथ टोटल 5 स्लॉट को फिल करना है। दिल्ली की टारगेट लिस्ट में कैमरून ग्रीन, राइली रिसो जैसे प्लेयर्स रह सकते हैं। और आखिर में बात यदि अब आईपीएल की 2 नई टीम यानी पिछले सीजन की चैंपियंस टीम गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की करें तो गुजरात के पास टोटल 19.25 करोड़ का पर्स बैलेंस है, साथ ही 3 ओवरसीज प्लेयर के तौर पर टोटल 7 स्लॉट्स को फिल करना है।
तो वहीं लखनऊ के पास 23.35 करोड़ के साथ 4 ओवरसीज स्लॉट को जोड़ टोटल 10 स्लॉट को फिल करना है। तो दोस्तों ये थी सभी 10 टीमों के बचे हुए पर्स बैलेंस और स्लॉट्स की पूरी डिटेल। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ।